हम जैसे अपराधी और कोई रखे, जैसे हम सतगुरु राख लिए छाए, तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंधक मेरा सखा सखाए, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, शाबित तुम कर जानो आपे, हम रुलते फिरते को बात ना पूछता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग पीरे हम तापे, धन धन गुर नानक जन पीरा, मिलिए चूके सब शोक संतापे, मेरे प्राण जियो तेरा अंत न जाना, मेरे प्राण ग्रंथ महाराज की पवित्र वाणी, सब दुखों का रोगों का कलेशों का नाश करने वाली वाणी है, और जो कोई इस वाणी से जुड़ जाए लोग सुखी पर लोग भी शुमार देती है, और एक ही शर्त है कि मन करके शायद भी तो वाणी को जपना है, उच्चारण करो श्री वाहे, क्योंकि कलयुग के समय गुरु नानक की वाणी के बराबर कोई नहीं है, वाणी ही सबसे उत्तम है, ज्ञान ध्यान पिछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा सत गुरु नानक जिन कर राखी, जिस वक्त भाई सत्ता जी भाई बलवान जी जो गुरु घर के कीर्तनीय भी थे, जिन्होंने गुरु रामदास पातशाह जी को कीर्तन सुनाया, गुरु अर्जन देव महाराज को कीर्तन सुनाया, कोई क्षमा आया, मन में थोड़ा अहंकार हो गया, हम में आदमी मैं आदमी कि हम कीर्तन कर रहे हैं तभी गुरु महाराज की जय जयकार हो रही है, हम कीर्तन नहीं करेंगे तो गुरु की जय जयकार कोई नहीं करेगा, उच्चारण करो श्री वाहे। भाई सत्ता बलवान ने मन में ख्याल किया कि अगर मर्दाना जी कीर्तन ना करते तो गुरु नानक की बात किसने पूछनी थी, भाई मर्दाने के कारण ही गुरु नानक की जय जयकार हुई है, आज सत्ता बलवान ने गुरु अर्जन देव महाराज को भी आख्या, महाराज हम चाहे ना किसी और शोधी को गद्दी पे बिठा दे उसे गुरु बना दे, हम कीर्तन करते हैं तो कोई ना कोई आपको मत्था टेक के नमस्कार कर ले, और जब मैं आ जाए ना प्यारी शासन में भी तो गुरु की पक्षी से वो खाली रह जाता है, क्षमा आया है, भाई सत्ता और बलवान को कोहड़ का रोग हो गया, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, सभी उसको दुर्कारने लगे भी आप गुरु घर के निंदक हो, फिर आए शरण में, उस वक्त गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या, श्री सत्ता बलवान जी हम भी आपको बख्श नहीं सकते, क्योंकि आपने गुरु नानक का निरादर किया है, गुरु की वाणी का निरादर किया है, गुरु नानक की संगत की निंदा की है, इसलिए गुरु भी आपको बख्श नहीं सकता, फिर वो दया करी मेहर की महाराज ने
सारी संगत ने भी बेनती की, पातशाह फिर भी गुरु घर की कीर्तिए हैं, हरी का यश करने वाले हैं, कोई ना कोई तो उपाय होएगा, कुछ ना कुछ तो है भी ये बच्चे जा सकते हैं। उस वक्त गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या श्री भाई गुरु नानक की बाणी भी इनको बख्श दे तो बख्श दे, नहीं तो कोई दूजा बख्श नहीं सकेगा। उच्चारण गुरु श्री भाई ने फिर आख्या जिस मुख से तुमने गुरु की निंदा की है ना, उसी मुख से गुरु नानक की बाणी गा दिया करो, गुरु की बाणी का जश कराया करो। क्यों जो बाणी गाओगे क्यों क्यों आपका कोपड़ भी ठीक हो जाएगा, पाप भी आपके बख्शे जाएंगे। तो फिर सत्ता बलवान क्यों जुड़े कीर्तन में, क्यों कीर्तन किया गुरु के शब्द से जुड़ गए, सब रोगों की भी निवृत्ति हुई, पाप भी बख्शे गए और इतनी रहमत हुई। गुरु अर्जन देव महाराज ने उनकी लिखी हुई वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने लिख दिया। आज जब गुरु ग्रंथ साहिब को मथा टेकते हैं ना, तो भाई सत्ता और भाई बलवान को भी मथा टेकिया जाता है। उच्चारण करो श्री भाई को। कभी वो गुरु घर के निंदक हो गए, हंकारी हो गए, कीर्तन किया गुरु के शब्द को जब उन्होंने गाया, फिर गुरु ग्रंथ साहब की गोद में आके बैठ के पढ़े। तो इसलिए मैं विनती कर रहा हूँ प्यारी साध संगत जी, कीर्तन जो है ये सब भक्तियों से उत्तम भक्ति है। सब कोई जाप ताप सेवा सिमरन कर ले, उन सब से ऊपर है कीर्तन की भक्ति। तो आओ जो भी कोई इस आवाज को सुन रहे हैं, सारे प्यार से गुरु का जश करो, मेरे लाज जियो तेरा अंत न जाए। आओ सारे मिलके जपे मेरे लाज जियो तेरा अंत न जाना, मेरे लाज जियो तेरा
Thank you.
बड़ी सेवा की गुरु नानक जी की।
फिर बेनती की पातशाह रहमत करो, मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आप कृपा करके उनका जवाब दे तो बड़ी कृपा हो गई आपकी। गुरु नानक जी मुस्कुराए, कहने लगे पूछो भाई, सब सवालों के जवाब आपके देंगे। फिर राजे ने पहला सवाल ही यही किया कि मुझे खुदा के दर्शन करवा दे, रब का दर्शन करना है मुझे। गुरु नानक जी ने आख्या कि पहले तो हम तुझे बधाई देते हैं कि तेरे मन में ये जिज्ञासा आई है खुदा का दर्शन करने के लिए, नहीं तो जो भी कोई राजगद्दी पे बैठ जाए वो बस अपने ऐशो आराम में लगा रहता है, वो बस अपनी प्रजा को लूटने में लगा रहता है। तो बड़े भागा वाला है जो तेरे मन में कम से कम ये जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई कि खुदा का दर्शन करना है, रब से मिलाप करना है। गुरु नानक जी ने आख्या खुदा का दर्शन करना चाहते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आख्या जी क्या करो, तो महाराज ने उसको समझाने के लिए कहने लगे एक दूध का कटोरा मंगवाओ भाई। दूध का कटोरा ला के दिया, राजन इसमें तुम्हें घी नजर आ रही है, घी का दर्शन हो रही है, नहीं पाचा इसमें दूध ही दूध है, घी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसी में महाराज ने आख्या घी है तो इसी में न ही पाचा। अगर प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो फिर इस दूध को जमाना पड़ेगा, रिड़कों के मक्खन आएगा, मक्खन से फिर घी प्राप्त होगा। राजन ये तेरी सारी प्रजा में वाहिगुरु रमिया होया है, खुदा हर एक के अंदर बैठे है, जो उसकी जाग रही है, पर अगर प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो तुम्हें जपना पड़ेगा सतनाम शकल वनस्पत में बैसंत, शकल दूध में घिया, ऊंच नीच में ज्योत समानी, घट घट माधव जिया। मेरा माधव मेरा परमेश्वर तो घट घट में रहिया हो रहा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद गोविंद जी को। राजन प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो मेहनत करो, प्रजा की सेवा करो, खुदा का रूप जान के नमस्कार करोगे तो रब तुम्हें नजर आ जाएगा। धन बाबा नंद सिंह महाराज जी और उनके साथी संत जवंत सिंह जी महाराज, जिन्होंने पहले दर्शन गुरु नानक जी के इकट्ठिया किए हैं, इकट्ठिया दोनों ने दीदार प्राप्त किए गुरु नानक जी के, बैठ गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी में, भोजन का थाल सजाया, महाराज जी कन्ने का ठाकुर भोग लगा रही है, गुरु नानक की वाणी कह रही है, तन्ने के ठाकुर ने भोग लगाया है, नामदेव जी के ठाकुर ने दूध छके है भोग लाया है, रविदास भगत जी का ठाकुर गंगा मैया से तर के पार हो गए है। हे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, आप हमें गुरु नानक के रूप में दर्शन नहीं दे सकते, विचारण करो श्री राय, एक पत्थर की मूर्त पार हो सकती है, और मेरा युगो युग अटल अकाल पुरख वाहिगुरु का स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरु नानक के रूप में दर्शन बख्शो महाराज, गुरु नानक का स्वरूप हमें दीदार बख्श करो। और महापुरुष कहने लगे तीन चार दिन ऐसे व्यतीत हो गए, दुआ पवित्र रूहां ने ना कोई अन्न छकिया ना कोई जल छकिया, तीन चार दिन व्यतीत हुए, बस एक ही पुकार मन में आती है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु नानक का स्वरूप धारण करो, गुरु नानक के रूप में दर्शन दो। मेरे बाबा जी जो दर्शन, 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 मेरे बाबा जी जो
एक बोल की मुखरी के पास के बाबा नानक महाराज ने जन्म पकड़ लिए। हे गुरु नानक जी, हमने प्रतिज्ञा करी है कि आपका ही शीत प्रसाद छकेंगे। पहले ये भोजन आप छको, अपना शीत प्रसाद हमें प्रतिष्ठ करो, उच्चारण करो शीत जितनी किसी की गुंडारी होगी, जितनी किसी को प्राप्ति होगी, अवस्था बन आएगी, वो उतनी ऊंची गुंडारी भर के आ जाएगा। पर परमेश्वर का अंत आज देकर कोई पा नहीं सके। अंत न शिफ्टी अंत अंत न कर लेते, बस जितनी जितनी कोई गुंडारी भर जाए, वो कहता है कि रब ऐसी है, अकाल पुरख वाहेगुरु जी का स्वभाव ऐसा है। पर आज लेकर कोई पक्का नहीं, पर जितनी गुंडारी है वहां तक पहुंच के उसने बता दिया है। क्योंकि देहवा एक कमल कर संसारी जीव एक एक जीवा गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है, और एक जीवा से अकाल पुरख वाहेगुरु जी का कौन कौन सा गुण ध्यान करेंगे। कितने तो पुरुष के गा रहे हैं, जेवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंक स्वामी। अंत न के देंगे कोई रब का प्यारा भी आज जिक्र उसका अंत नहीं पा सकेगा। प्यार उसका पालेगा, उसमें अभेद हो जाएगा। कबीर जी भी कहने लगे, मैं राम का रूप तो हो गया पर राम जी का अंत नहीं पा सकेगा। राम कबीरा एक भय है तो ना सके पहचाने, राम राम की माला जपी राम का रूप हो गए। पर संसार को ये नहीं बताया कि राम जी की अवस्था कहाँ तक है, भगत युक्ति भय। तो आज गुरु नानक महाराज ने बख्श की भोजन छकिया, शीत प्रसाद बाबा जी को बख्शिया, धन बाबा जवान सिंह महाराज को दिया, छोड़ताई होश पर दी। हाँ भाई जवान सिंह जी, आपने इतना हठ किया, कोई मन की कामना कोई इच्छा है? बाबा जवान सिंह जी क्योंकि कीर्तन कराया करते थे, गुण गाया करते थे महाराज के, कहने लगे महाराज बड़ी तीव्र इच्छा है, अगर कृपा करो हुक्म करो। और बाबा जवान सिंह ने ये अरदास की है, गुरु नानक जी मुझे ये वरदान दो कि जब मैं कीर्तन करूं तो आप साक्षात मेरे सामने बैठ के कीर्तन श्रवण करिया करो, उच्चारण करो श्री। कोई और इच्छा नहीं, कोई दुनियावी पदार्थ नहीं मंगे महाराज ने। आखिर जैसे अब आप हमारे सामने बैठे हो, सन्मुख दर्शन आपके प्राप्त हो रहे हैं, बस यही कृपा कर दो कि जिस वक्त भी कीर्तन करूं, जब भी गुरु का जस गाऊं, कि गुरु नानक जी आपके प्रताप दर्शन उसी वक्त मुझे प्राप्त होते रहे, मैं सदा तुम्हें कीर्तन सुनाता रहूं, आपकी सेवा में लग गया हूं। गुरु नानक जी ने आख्या, वाहेगुरु मेहर करेगा तेरी इच्छा पूर्ण होएगी। जवान सिंह, जब भी तुम कीर्तन करोगे मुझे अपने सामने बैठे हुए पाओगे, मुझे तुम कीर्तन सुनाओगे। फिर बाबा नानक जी की बारी आई, हाँ भाई आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगते हैं? फिर बाबा नानक सिंह जी ने आख्या, महाराज मुझे कुछ मांगना नहीं आता। बाबा जी जानते थे जो पिता का है वो पुत्र का है, जो पुत्र का है वो पिता का है। अब पुत्र को पिता से मांगने की क्या जरूरत, सब कुछ उसका दे देंगे, हम ही तो मान लेते पिता के घर के। फिर भी गुरु नानक जी ने आज्ञा नहीं, नंद सिया कुछ थे मांग भाई, कोई थी कृपा कर, अब आए हैं कुछ ना कुछ तेरी झोली पानी। बाबा जी ने आख्या, नहीं महाराज क्या मांगे आपसे, मैं क्या मांगू, किस चीर ना रहाई, हर दीजे नाम दिया,
गुरु नानक जी कहने लगे नहीं नानसी जी ये तीसरा बचने जरूर कुछ ना कुछ मांगो। बाबा नाम सिंह जी कहने लगे कि मुझे अपना बना लो विचारण करो श्री गुरु नानक जी ने आख्या एक तो कहते हो कुछ मांगना नहीं आता ते एक मंगिया ही ते शकल कुछ मांग दे अपना बना लो जिसको मैं अपना बना लू ते फिर वो तो मालिक बन गया भाई ये संसार का मालिक बन गया वो जहान का मालिक वो बन जाएगा जो गुरु नानक का हो जाएगा। तो बाबा नाथ सिंह जी कहने लगे मुझे अपना बना लो ओला मुझे अपना बना लो महाराज मुझे अपना नौकर नहीं मुझे अपना गोला बना लो गुलाम बना लो खुद खरीद लो मुझे और जैसे भी आप रखोगे मुझे कुछ भी परेशान रखना भाई। नाम तेरा आधार तेरा जो भूल जई है ना कहे कबीर गुलाम घर का मैं गुलाम घर का गुरु नानक का गुलाम घर का जी आए भावे मार। कबीर जी ने आख्या हम तो गुरु घर के गुलाम हो गए हम बोले हो गए भाई जी आए भावे मार। अब जिंदिया रख चाहे मोया रख तेरे हो गए हम अब हम चले ठाकुर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राम प्रभु भावे भाई गुरु तेरी कृपा भरे गोला बना दे अपने दर घर का। गुरु नानक जी ने प्यार किया क्या नान सिंह सब कुछ प्राप्त करके दे दे सब कुछ लुट के दे दे तू तो ये प्यार की बात है भाई। जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन करना है वो आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सुंदर स्वरूप में गुरु नानक जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। आप प्यार से पढ़ते हो गुरु ग्रंथ जी मान्य प्रकट गुरा के लिए बाबा जी कहने लगे कोई किताब न समझियो मत जानियो ये विज्ञान है ये कोई पुस्तक है ये हमें सिर्फ शिक्षा देता है नहीं ये परमेश्वर का दूत है
ये तो आप अकाल पुरख वाहेगुरु जी ने धुर की बाणी आई फिर शकली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना अकाल छाए। कोई आके मुझे बाणी सुन के बड़ा कान रस मिले, महाराज कहने लगे ये कान रस नहीं है, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो वाहेगुरु क्या विचार है। जो काशी उपदेश होए मन शबरती बार तो शायद कृपा कर है मेरे I'm not afraid.
Shut the door.